अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नर्सरी क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके, आज जो हमारी रीडिंग है वो इस्लामियात की रीडिंग है। इस्लामियात की बुक ये आपके सामने है। आपने इस्लामियात के नोटबुक को बुक को ओपन कर लेना है। बुक ओपन करने के बाद आप लोगों ने पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, पेज नंबर 5 क्वेश्चन तक आपने रिपीट कर चुके थे। आज हमने जो क्वेश्चन नंबर करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दादा जान का नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नर्सरी क्लास है वो है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को आज के लोग सादिक और अमीन क्यों कहते थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के लोग सादिक और अमीन इसलिए कहते थे नर्सरी क्लास कि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आपको लोग सादिक और अमीन कहते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 4 के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd क्वेश्चन भी कर लेंगे। 3rd क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई हैं उन्हें क्या कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई थी उन्हें हदीस शरीफ कहते हैं। नर्सरी क्लास, आज हमारे 1, 2, 3 क्वेश्चन की रीडिंग हुई है। आप लोगों ने भी इसी तरह से रीडिंग करनी है बुक को ओपन करके। ठीक है, ओके, गुड बाय।